हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। दोस्तों ये भाग आपका 4 है, इसमें आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। जी हाँ दोस्तों, सदिश रूप क्या होता है कूलाम का नियम का, वो हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे और ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, जितने में बताते हैं अगर उतना आप लोग कर लेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, चलिए तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट क्लास से जुड़ चुके हैं इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलती है। दोस्तों 2023 की जबरदस्त तैयारी करने के लिए हमने दो ग्रुप बनाया हुआ है, एक व्हाट्सएप का और दूसरा टेलीग्राम का। दोनों ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, फटाफट वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं और समय आपको पता है, रोजाना जो क्लास चलेगा 5 बजे आपका बायो क्लास चलेगा, 6 बजे आपका केमिस्ट्री का, 7 बजे मैथ का और 8 बजे आपका फिजिक्स का। ये आपका टाइम टेबल है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो पहले से ही हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पर 3D में ये देख सकते हैं दोस्तों, आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका जेड एक्स है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो आवेश लिया हुआ है, Q1 और Q2 लिया हुआ है और ये देखिए मूल बिंदु और इसकी स्थिति सदिश से, इस मूल बिंदु से Q1 की दूरी R1 है और Q2 की दूरी क्या है R2 है। ठीक है, और इसकी स्थिति सदिश हमने यहाँ पर R2 - R1 अभी जस्ट हम आपको मानेंगे, फिर उसको हम आपको सॉल्व करके भी सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग कुछ पॉइंट मान लीजिए, जो हमने ये लिखा है ये हम मानेंगे। ठीक है, फिजिक्स में क्या होता है, कुछ रटना नहीं होता है, जो आप करेंगे उसी को आपको लिखना था। जैसे कि आपने कक्षा 10 में रेखा गणित पढ़ा होगा, उसमें आपको रचनाएं करने के लिए आती थी ना, कि जैसे आप बनाते थे वैसे आपको लिखना होता था, जस्ट फिजिक्स में भी वैसे ही करना होता है, जो आप ये प्रोसेस करेंगे उसी को आपको लिखना भी होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है। हमने यही माना, हमने क्या माना कि दो आवेश, देखिए एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, तो हमने यही माना है कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है जिनके मूल बिंदु किसको माने, ओ को। ठीक है, मूल बिंदु ओ, ठीक है, ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 है। हमने क्या माना, अभी जैसे हम आपको दिखा देते हैं, भाई ध्यान सुनिएगा, हमने माना दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं जिनके मूल बिंदु किसको माने, O को। यहां आप देख सकते हैं जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 और R2 है। किसके सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 तथा R2 है, यही हमने माना है। ठीक है, यदि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर, इसी को बोलते हैं स्थिति सदिश, क्या हो जाएगा R21 है। तो ध्यान सुनिएगा, हमने ये माना कि यदि आवेश Q1 के सापेक्ष, इसके Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश, इसकी पोजीशन वेक्टर सदिश R21 यानी A है, R21 है, तो इसका स्थिति सदिश हम लिख सकते क्या होता है, R21 क्या हो जाएगा, R2 माइनस के R1 हो जाएगा, ठीक है,
ये होता है स्थिति सदी। अभी आपने मैथ में नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे, आगे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल ये जानिएगा कि स्थिति सदी से निकालने के लिए जिसका निकालते हैं उसमें से उसको घटाते हैं। सुनिएगा कैसे, देखिए यदि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश क्या है, R21 हो जाता है, तो R21 को क्या करते हैं, जो ये 2 होता है जो पहले आता है वो पहले घटता है, ठीक है, तो R21 माइनस के R1 हो जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे अतः कूलाम के नियमानुसार, अतः कूलाम के नियमानुसार, अतः कूलाम के नियमानुसार आवेश Q पर आवेश Q2 पर, ठीक है, आवेश Q2 पर आवेश आवेश Q1 के कारण बल, ठीक है। तो ध्यान सुनेगा कूलाम के नियमानुसार ना आवेश Q2 पर, ध्यान सुनेगा कूलाम के नियमानुसार आवेश कौन सा, Q2 पर आवेश Q1 के कारण, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा Q1 पर, जो आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण जो बल लगेगा, तो कूलाम के नियमानुसार किसके कारण, Q2 पर Q1 के कारण, तो जो फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा, F21 Q2 पर, Q2 मतलब 2 पहले रहेगा, ठीक है, फिर किसके कारण, 1 के, Q1 के साथ, तो F21 बराबर के K, ठीक है, कांस्टेंट आपको पता ही है, ठीक है, F21 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपान क्या आ जाएगा, R2। तो R2 की जगह क्या हो जाएगा आपका R21 पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये स्थिति सदिश क्या है आपका R21, इसकी बारे में बात हो रही है, तो R की जगह क्या हो जाएगा R21 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यहाँ पर एक आपका आ जाएगा R21 कैप, इसको हम क्या बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं। अभी जैसे हम आपको इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाले कि कूलाम के नियमानुसार आवेश Q2 पर, ध्यान सुनो, Q2 पर आवेश Q1 के कारण जो बल आएगा वह F21 आएगा, और हमने कूलाम का नियम क्या बताया था, एफ बराबर के के Q1 Q2 अपन R2 होता है, यहाँ स्थिति सदिश है, R की जगह क्या हो जाएगा R21 हो जाएगा, और एक एकांक सदिश यहाँ R21 कैप हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना बात अगर समझ में आ गई तो अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे अब ध्यान देखिएगा दोस्तों, तथा यहां पर जो ये आया हुआ है क्या R21 कैप, इसको बोलते हैं R21 कैप को क्या बोलते हैं, R21 की दिशा में एकांक सदिश, क्या भाई, एकांक सदिश है, ठीक है, R21 की दिशा में क्या है आपकी, एकांक सदिश है, अतः सॉरी ये आपको दिखाने, आप देख लीजिएगा कि R21 कैप को क्या बोलते हैं, R21 की दिशा में क्या हो है, यह एकांक सदिश है, अतः, ठीक है, अतः F21 बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपान के क्या हो जाएगा आपका यहां पर मॉड में, ध्यान सुनेगा मॉड में, ध्यान सुने क्यों, अभी हम जस्ट बता देते हैं, मॉड में क्या हो जाएगा आपका, मॉड में R2 माइनस के R1 का स्क्वायर इनटू क्या है आपका R21 का कैप। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, हमने इसको मॉड में क्यों लिया है, मॉड में क्यों लिया है दोस्तों, ये हो ये R1 और R2 क्या है आपकी, ये दूरी है, ठीक है, तो दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी भी दूरी नहीं होती है, इसलिए हमने यहां पर मॉड लगा दी है, या तो R2 में से R1 घटेगा, R1 में से R2 घटेगा, हमेशा क्या वैल्यू आनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने यहां पर क्या लगा लिया, मॉड लगा लिया, ठीक है। अब दोस्तों जैसे उस समय किए थे जस्ट उसी प्रकार अब लिखेंगे, इसी प्रकार अब आवेश जो है, आवेश अब Q1 पर, ठीक है, इसी प्रकार आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण, Q2 के
कारण बल। अब बल इस बार क्या हो जाएगा आपका F12 हो जाएगा। अभी हमें आपको क्या निकाले थे, हमने निकाले थे कि आप इस पहले बार क्या निकाले थे, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण जो बल था वो F21 था। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण जो बल है वो क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा। ठीक है, F12 हो जाएगा। अब इसका कूलम्ब के नियम अनुसार सरल करेंगे क्या हो जाएगा, K × Q1 Q2 / क्या हो जाएगा आपका R12 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू यहां पर क्या हो जाएगा R12 का कर्व, यानी कि ये क्या है आपका एकांकी सदिश है। ठीक है, जहां पर हम क्या बताएंगे, जहां पर पोजीशन वेक्टर यानी R12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं R1 - R2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेम चीज वही फिर लिख देंगे यहां पर F12 = क्या हो जाएगा आपका K, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका Q1 Q2 / आर की जगह क्या हो जाएगा R1 - R2 लेके क्या लगाएंगे, मॉड क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों दूरी हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है, तो इसको मॉड में लिखते हैं मॉड में R1 - R2 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर R12 का क्या हो जाएगा आपका कैफ हो जाएगा। जहां पर सिंपल सी बात है, जहां आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि R12 कैफ क्या है, R12 की दिशा में क्या है आपकी एकांक सदिश है, क्या है एकांक सदिश है। क्लियर बात, बिल्कुल बात क्लियर है। अब दोस्तों ध्यान सुनिए, एकांक सदिश, ध्यान सुनिए, एकांक सदिश R12 कैप तथा R21 कैप परस्पर क्या है बराबर है और विपरीत दिशा में है। ठीक है, क्या पाया आपने, ध्यान सुनिएगा, ये देखिएगा मॉड में R2 - R1 का होल स्क्वायर इंटू इतना आ गया। ठीक है, आपने दोस्तों ये पाया कि एकांक सदिश, ध्यान सुनेगा, आपने यह पाया कि एकांक सदिश जो है यानी कि R12 कैप तथा क्या है आपका R21 कैप, देख सकते हैं जस्ट उल्टा है ना, तो क्या है परस्पर, क्या है आपका परस्पर बराबर है, परस्पर क्या है भाई बराबर है तथा क्या विपरीत दिशा में, क्या तथा विपरीत दिशा में है, दिशा में होते हैं। ठीक है, अतः या अर्थात, अर्थात क्या कर देंगे, यानी कि R21 कैप बराबर कब लिखेंगे, माइनस के साथ अगर लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि मान तो दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों के मान क्या है, दोनों के मान क्या है बराबर, ये माइनस चिन्ह सिर्फ क्या दिशा को दर्शाता है कि दोनों क्या है एक दूसरे के क्या विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में है। अतः इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों जब ये आपस में क्या हो गए विपरीत दिशा में, इसी प्रकार से जो बल हमने निकाला है F12 और F21, तो वो दोनों भी क्या है आपस में क्या है, वो दोनों भी क्या है F12 और F21 दोनों क्या है आपस में बराबर, लेकिन क्या है विपरीत दिशा में, इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह आपका आ जाएगा यहां पर 21, ये आपका सिद्ध हो चुका है। इसका मतलब क्या पाया आपने, अर्थात आप यहाँ पर समझाएंगे, अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिखेंगे, इतना सरल करने के बाद ये दो लाइन आप लिखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ लिखेंगे, इसका यहाँ दिखा देंगे कि दोनों आवेशों पर लगने वाले बल परस्पर समान है, देख सकते हैं, तथा विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात कूलाम्ब बल जो है न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है पालन करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कूलाम्ब बल किस नियम का पालन करता है, तो याद रखिएगा कि कूलाम्ब बल जो है न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है। अब दोस्तों एक बात और आ गई है, ये तो आपका पूरा आ ही गया है, अब ये निरूपण हो गया, एक सदिश निरूपण पूरी तरीके से कर लेते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है और ये आपसे पूछता है। ठीक है, तो नोट ही आप लोग लिख लीजिएगा, इसको नोट ही आप लोग लिख लीजिएगा कि नोट में लिखिएगा कि यदि हम एक आवेश को मूल बिंदु मान लें, ठीक है, मूल बिंदु मान ले तो दूसरे आवेश पर, तो दूसरे आवेश पर प्रथम आवेश का
जो बल आएगा वो क्या आ जाएगा, एफ बराबर के क्यू1 क्यू2 अपान के आर स्क्वायर और आर कैप आ जाएगा। ठीक है, जब कब मानेंगे, यदि हम एक आवेश को मूल बिंदु मान ले, ठीक है, तो दूसरे आवेश जो प्रथम बल लगेगा वो यह बराबर के Q1 Q2 अपान के अब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आर कैप हो जाएगा। अब दोस्तों इस आर कैप को लिख सकते हैं क्या, ध्यान सुनिएगा, आर कैप को हम लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, आर कैप को लिख सकते हैं क्या भाई, ये इसको हम लिख सकते हैं मॉड में आर अपान के आर लिखते हैं, ठीक है, और इसके जगह हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका के Q1 Q2 अपान के क्या हो जाएगा आर, आर कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे एक आ जाएगा मॉड में आर हो जाएगा, ये आपका हो गया। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग F बराबर के K Q1 Q2 अपान के आर क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वेक्टर आर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये फार्मूला आपका बनकर तैयार हो गया इस कंडीशन में, ठीक है। और एक इसमें और नोट पॉइंट में एक याद रखिएगा, ठीक है, एक नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि कूलाम बल को सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए आवेशों के परिणाम, ठीक है, यानी कि धन में रहेगा तो धन में, ऋण में रहेगा ऋण में, उस चिन्ह के साथ ही हम लोग क्या करते हैं प्रस्तुत करते हैं। अब दोस्तों कुछ इससे फैक्ट याद रख लीजिएगा, सुन लीजिए मुंह से कि कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों कूलाम बल जो होता है वो व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता है, ठीक है, कूलाम बल जो होता है वो व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता है। दूसरा याद रखिएगा कूलाम बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ये दो पॉइंट याद रखिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आ गया, इतना आप याद रख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।